शिवालिक पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 932 मीटर ऊंचाई पर बसा खूबसूरत नाहन, अनुकूल जलवायु, मैदानी पहाड़ी मिश्रित जन संस्कृति, सांप्रदायिक सद्भाव और हेरिटेज भवनों के लिए संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक नगर नाहन का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। नगर की स्थापना सन 1621 में सिरमौर के राजा कर्म प्रकाश ने की थी। कहा जाता है कि सिरमौरी ताल स्थित सिरमौर रियासत नटनी के शाप से गर्क हो गई थी, जिसके कारण सिरमौर की राजधानी लंबे समय तक यहां से वहां स्थानांतरित होती रही और कुछ समय के लिए कालसी में भी रही। आखिरकार सन 1621 में सिरमौर रियासत की राजधानी नाहन लाई गई और देश के आजाद होने तक यहीं पर रही। कहते हैं, जिस समय सिरमौर के राजा कर्म प्रकाश अपने लिए नई राजधानी की खोज में निकले, उनकी मुलाकात नाहन के घने वनों के बीच दो श्वेत नाहरों यानी शेरों के साथ संत पुरुष बाबा बनवारीदास जी से हुई। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः नाहरों के कारण ही कालांतर में नाहन शहर का नामकरण नाहन हुआ। बाबा बनवारीदास ने ही सन 1671 में नाहन में पुरातन श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी। नगर के दृश्य में अवस्थित श्री जगन्नाथ मंदिर नगरजनों की धरोहर है। नाहन शहर की खूबसूरती रियासत काल से यहां अवस्थित 5 तालाबों में समाहित है, इसीलिए नाहन को सिटी ऑफ पॉन्ड्स यानी तालाबों का शहर भी कहा जाता है। नाहन नगर का रानी ताल, पक्का तालाब, कालीस्थान तालाब और रामकुंडी तालाब शहर की धरोहरें हैं, जबकि शहर के एक अन्य कच्चे तालाब को दशकों पहले बस स्टैंड में तब्दील कर दिया गया था। नगर में भगवान शिव के ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। पक्का तालाब के शिव मंदिर की स्थापना सन 1845 में महाराजा फतेह प्रकाश के पुत्र राजकुमार सुरजन सिंह ने करवाई थी। इसी तरह रानीताल स्थित शिवालय भी शहर के सबसे पुराने शिवालयों में शुमार है। खूबसूरत रानीताल पार्क की स्थापना महाराजा शमशेर प्रकाश ने अपनी महारानी की याद में करवाई थी। मां काली यहां साक्षात दुर्गा के रूप में वास करती हैं। राजा विजय प्रकाश की महारानी के आग्रह पर देवी पिंडी कुमायूं से लाकर भव्य कालीस्थान मंदिर का निर्माण सन 1730 में किया गया था। कालीस्थान मंदिर क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। नाहन जनपद को गुरु की नगरी भी कहा जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह 30 अप्रैल 1685 को नाहन पधारे थे और 8 माह तक नाहन में रहे। शहर के हेरिटेज धार्मिक स्थलों में मियां मंदिर यानी भगवान परशुराम का मंदिर भी शामिल है। मियां मंदिर की स्थापना सन 1740 में राजा बिलासपुर के दो भाइयों मियां मलदेव सिंह और मियां कौशल देव ने करवाई। नौणी का बाग स्थित नरसिंह मंदिर की स्थापना राजा विजय प्रकाश द्वारा सन 1730 ईस्वी में की गई। मां काली का दूसरा ऐतिहासिक मंदिर शिवपुरी में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना राजा विजय प्रकाश की रानी द्वारा सन 1730 ईस्वी में की गई थी। शहर के झल्लाजी गुरुद्वारा की स्थापना महाराजा शमशेर प्रकाश ने सन 1857 से 1896 के मध्य की थी। शहर की ऊपरली टोली में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण सन 1708 में राजा भूप प्रकाश ने करवाया था। बाद में राजा फतेह प्रकाश ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नगर के कच्चा टैंक स्थित ऐतिहासिक मस्जिद भी शहर के पुराने इबादतगाह में शुमार है। सर्वधर्म समभाव का प्रतीक
गुग्गा माड़ी और लखदाता पीर की मजार शहर के मध्य में स्थित है, जहां हिंदू मुस्लिम सभी शीश नवाते हैं। ये दोनों इबादत स्थल रियासत कालीन हैं। शिमला रोड पर स्थित हाथी कब्र भी नाहन शहर के ऐतिहासिक स्मारक एवं धरोहरों में शामिल है। महाराजा सिरमौर के प्रिय हाथी ब्रिजराज की समाधि आज भी नाहन शहर के लोगों के लिए किसी इबादत गृह से कम नहीं है। नाहन शहर में कई हेरिटेज स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जिसमें लिटिल मेमोरियल यानी दिल्ली गेट प्रमुखता से शामिल है। दिल्ली गेट ऐतिहासिक शहर नाहन की शान है। लिटिल मेमोरियल स्मारक का निर्माण सन 1877 में भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के नाहन आगमन पर सम्मान स्वरूप किया गया था। नाहन में हेरिटेज उद्योग के रूप में नाहन फाउंड्री है। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश ने सन 1873 में नाहन फाउंड्री वर्क्स नाम से एक आयरन फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये उद्योग उत्तर भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक था। नाहन फाउंड्री से स्थानीय लोगों के भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखने के लिए सूरजकुंड शिल्प मेले की तर्ज पर नाहन फाउंड्री स्थल पर भी एक शिल्प ग्राम बनाने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। महिमा लाइब्रेरी शहर की धरोहरों में शुमार है। महाराजा अमर प्रकाश और महारानी मदालसा देवी ने अपनी पुत्री महिमा देवी की याद में सन 1930 में महिमा लाइब्रेरी की स्थापना की थी। राजकुमारी महिमा देवी की मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई थी। नाहन जनपद की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रियासत काल से ही नाहन में तीन सैरगाहें प्रख्यात थीं, शमशेर विला राउंड, आर्मी राउंड और हॉस्पिटल राउंड। ऐसे सैरगाह थे जहां पर राज परिवार और अंग्रेज अधिकारी सैर करने निकलते थे। एंग्लो गोरखा वार मेमोरियल शिलालेख गोरखा वीर सैनिकों के अदम्य साहस की कहानी बयां करता है। इस युद्ध स्मारक का निर्माण सिरमौर में एंग्लो गोरखा वार 1814-1816 में मारे गए सैनिकों की याद में हुआ था। खूबसूरत लाल कोठी भी शहर के हेरिटेज भवनों में शामिल है। लाल कोठी का निर्माण 1898 में सिरमौर रियासत के शासक शमशेर प्रकाश के शासनकाल में हुआ था। इस भवन का निर्माण नाहन फाउंड्री के महाप्रबंधक के आवास के लिए किया गया था। राजकीय शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन की मुख्य धरोहर में शामिल है। इस प्रख्यात विद्यालय की शुरुआत 30 अप्रैल 1783 को हुई थी। हिमाचल निर्माता डॉ. यशवंत सिंह परमार, राज्यपाल अश्विनी कुमार सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है। स्कूल ने अभी तक देश को 7 स्वतंत्रता सेनानी, 13 IAS अधिकारी, 15 IPS अधिकारी, 3 सांसद और 3 लेफ्टिनेंट जनरल दिए हैं। धरोहर इमारतों में सम्मिलित सुरेंद्रा क्लब की स्थापना सन 1887 में की गई थी। नाहन के हेरिटेज एवं खूबसूरत भवनों की बात करें तो इसमें वर्तमान का BDO ऑफिस भी शामिल है। इस भवन में महाराज सुरेंद्र प्रकाश के छोटे भाई वीर विक्रम सिंह का निवास स्थान था। खूबसूरत चौगान को नाहन शहर की आत्मा कहा जाता है। ये मैदान रियासत काल में खेलकूद, सेना परेड के अलावा शहर की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। विजयदशमी के अवसर पर राज परिवार द्वारा हर साल चौगान में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाता था। पुराणों में वर्णित विलुप्त हो चुकी पुरातन सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी नाहन के समीप जोगी वन में माना जाता है, जहां महर्षि मार्कंडेय ने भगवान शिव की तपस्या की थी। नाहन के समीप सुकेती फॉसिल पार्क म्यूजियम में करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्मों को संजो कर रखा गया है। इस म्यूजियम की विशेषता ये है कि सुकेती के शिवालिक पहाड़ियों में खुदाई के दौरान पाए गए जीवाश्मों को यहीं पर संजो कर रखा गया है। नगरपालिका शहर की विशेष धरोहर है। सन 1868 में
नाहन नगरपालिका की स्थापना हुई थी और परिषद अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मना रही है। माना जाता है कि नाहन नगरपालिका कोलकाता के बाद देश की दूसरी नगरपालिका थी। नाहन नगर परिषद की 150वीं वर्षगांठ को हेरिटेज टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन अवसर मानते हुए स्थापना समारोह का भव्य आयोजन इस दिशा में एक बड़ा प्रयास है। नाहन शहर की लाजवाब खूबसूरती के कारण ही इतिहासकारों और ऐतिहासिक लेखाकारों ने नाहन शहर को नगीना का खिताब दिया है। इसीलिए तो कहा गया है, नाहन शहर नगीना आए एक दिन के लिए रहे महीना। हेरिटेज भवनों, ऐतिहासिक देवालयों, आकर्षक पर्यटन स्थलों और सम जलवायु वाले खूबसूरत नाहन जनपद को धार्मिक पर्यटन और धरोहर टूरिज्म सर्किट के रूप में योजनाबद्ध ढंग से विकसित करने की आवश्यकता है।